नमस्कार, सार्थक विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं जो एयर स्ट्राइक हुई है उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार की सेहत के बारे में। जी हाँ, सार्थक विमर्श पर आज हम जारी करने जा रहे हैं ओपिनियन पोल लोकसभा चुनाव 2019 का। इस ओपिनियन पोल को हमने तैयार किया है देश भर में फैले तमाम पत्रकारों से बातचीत के आधार पर। इस ओपिनियन पोल में जो है, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक क्या होने वाला है ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अपना कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। बहरहाल हम शुरू करते हैं। इस बार के जो 2019 के इलेक्शन हैं, इन इलेक्शंस में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात ये है कि एक तरफ जहाँ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सामने एक बड़ी जो चेहरा है, बड़ी सफलता है, वो नरेंद्र मोदी के रूप में है, जो एक तरफा अभी तक चुनावों में प्रदर्शन करते आए हैं। कुछ चुनावों को अगर छोड़ दें पिछले दौर के, तो जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में भाजपा ने कईयों जगहों पर, भाजपा और एनडीए ने कईयों राज्यों में अपनी सत्ता जो है हासिल की है या दोहराई है। इनमें अभी हाल ही के जो उदाहरण है, अगर हम अभी की बात करें तो गुजरात उसमें एक उदाहरण है जहां सत्ता दोहराई गई है। हालांकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जो है सरकार सफल नहीं हो सकी है, जबकि कर्नाटक में सफल होकर भी सरकार उनकी नहीं बन पाई है भाजपा की। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो 2019 में जो है संकेत कर रहे हैं। वहीं 2019 के लिए जो एनडीए का जो पूरा खिचड़ी तैयार है उसके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है, जहां से एनडीए को सर्वाधिक सीटें मिली थी 73 2014 में, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से, जो एक बड़ा ऑर्डर था। एक बड़ी बल्क सीट एक ही राज्य से इतनी बड़ी संख्या में मिल जाना बड़ी बात थी और जिसने बीजेपी को स्पष्ट बहुमत पर पहुंचाया। 71 सीटों में से सिर्फ बीजेपी की थी। इस बार जो है 2019 के चुनाव थोड़े कठिन हैं, लेकिन फिर भी इतने इनको इनके लिए जो है कमर कस करके दोनों पार्टियां मैदान में हैं। साथ ही साथ महागठबंधन की जो कवायद है, हालांकि अभी तक महागठबंधन को लेकर के कुछ भी बहुत कंक्रीट नहीं है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि शायद महागठबंधन किसी न किसी रूप में फलीभूत हो जाए। इसके फलीभूत होने के बाद जरूर नरेंद्र मोदी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी और इस चुनौती से सरकार कैसे पेश आएगी, कैसे उससे संभलेगी या कैसे उसको फेस करेगी, एक बड़ा मसला है। इस मसले पर जो है विभिन्न तरह से बात की जा सकती है। बहरहाल जो ओपिनियन पोल हमारे सामने हैं, जो देश भर में फैले हुए जर्नलिस्ट हैं और जो समाज सेवी हैं या और बाकी जो आम लोग हैं, उन लोगों से जो टेलीफोनिक और जो नियमित बातचीत के आधार पर जिस तरह से हमने पोल तैयार किया है, ये पोल एक इसलिए ज़्यादा सटीक जान पड़ता है क्योंकि ये पोल न तो एनडीए को बहुत इजी गोइंग कर रहा है, ना यूपीए को बहुत टफ कर रहा है, और ना एनडीए को टफ कर रहा है, ना यूपीए को इजी गोइंग कर रहा है। एक ऐसा बैलेंस पोल देने की इसमें कोशिश की गई है। चूंकि हम आपको बता दें कि इसी चैनल पर छत्तीसगढ़ का जो है सबसे सटीक सर्वे प्रसारित किया गया था, जिसमें हम ही इसी चैनल पर बताया गया था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आ रही है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो जो है ये जो पोल है हमारा, हमारे जो पोल का आधार रहा है वो स्ट्रांग है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ रोचक तथ्यों के साथ। सबसे पहले तथ्यों के साथ हम बात करेंगे कि अभी जो लोकसभा में जो सीटों का जो ब्यौरा है राज्यवार में, वो आपको बता देता हूँ। कुल 543 सीट हैं, दो नॉमिनेटेड सीट्स होती हैं, उनको 545 सीट्स कही है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है इस ऑर्डर में। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ 80 सीटें आती हैं। नंबर दो पर जो है महाराष्ट्र, जहाँ 48 सीटें आती हैं। नंबर तीन पर पश्चिम बंगाल है, जहाँ 42 सीटें आती हैं। नंबर चार पर बिहार है, जहाँ 40 सीटें आती हैं। और नंबर पाँच पर तमिलनाडु है, जहाँ 39 यानी 39 सीटें आती हैं। इन पांचों राज्यों की सीटों को अगर जोड़ लिया जाए, पूरी तरह से कैलकुलेट किया जाए, तो ये करीब करीब जो है बहुमत के आंकड़े के इर्द गिर्द पहुंच जाता है। यानी 80 को हम 48 में जोड़ते हैं तो ये 128 होता है, और 42 में उसको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 180। 180 एंड 220 एंड 200
एंड 59 सीट्स, करीब 259 सीटें जो हैं इन 5 राज्यों से आती हैं। ये महत्वपूर्ण राज्य हैं। इसके बाद जो दूसरे जो बड़े राज्य हैं सेकंड टॉप फाइव जो हैं उनमें मध्य प्रदेश है जो छठे नंबर का बड़ा राज्य है, जहाँ 29 सीटें आती हैं। कर्नाटक है जहाँ 28 सीटें आती हैं। गुजरात है 26 सीटों के साथ। राजस्थान और आंध्र प्रदेश 25-25 सीट हैं। ओडिशा में 21 सीट है। केरला में 20, तेलंगाना में 17, झारखंड और असम में 14-14 सीटें हैं। आसाम को नॉर्थ ईस्ट में भी गिनते हैं तो इस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में जाकर के 25 सीटें हो जाती हैं। लेकिन हमने यहाँ आसाम को अलग से गिना है 14 सीट्स के साथ। पंजाब में 13 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, हरियाणा में 10, दिल्ली में 7, जम्मू कश्मीर में 6, उत्तराखंड में 5, हिमाचल प्रदेश में 4 हैं और केंद्र शासित राज्यों में 6 सीटें हैं। पूर्वोत्तर में 10 सीटें हैं। पूर्वोत्तर में मतलब हम जो है इसमें आसाम को अलग रख लेते हैं। इस हिसाब देखें सिक्किम में 1 और गोवा में 2 सीटें हैं। कुल मिलाकर 543 सीट्स हैं। 2 सीट्स जो है नॉमिनेशन के जरिए आती हैं। ये देश की पूरी सूरत है। 543 के हिसाब से जो बहुमत के लिए ज़रूरी आंकड़ा जो होता है वो होता है 272। इस बार जो मौजूदा बीजेपी सरकार है, जो एनडीए सरकार है, उसके पास जो है ये आंकड़ा पर्याप्त मात्रा में है। कुछ सांसद अभी जीवित नहीं रहे 2014 में, तो कुछ सीटें खाली हैं। करीब करीब जो है 35 से 40 के बीच सीटें जो है देश के अंदर अभी किसी किसी कारण से खाली हैं। यानी कुल सीटें 543, आरक्षित सीटें 131, एससी के लिए आरक्षित सीटें 84 और अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी सीटें हैं 47। इस प्रकार से हम देखें तो जो है ये परफॉर्मेंस को हमें समझना है कि यहाँ क्या परफॉर्मेंस हो सकता है। सबसे बड़ी बात हम ये करेंगे कि सबसे बड़ा जो अभी जो मौजूदा सिटिंग दल है, सिटिंग जो गठबंधन है, वो है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है इसको करीब करीब 18-19 साल हो चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। इसमें कई पार्टियां आईं, कई पार्टियां गईं और अब जिस स्वरूप में है ये अंतरिम स्वरूप है। इसको हम अगर और माइन्यूटली देखने की कोशिश करते हैं तो एनडीए में जो दल शामिल हैं वो करीब करीब 42 दल हैं, जिनमें से 9 दल ऐसे हैं जिनकी संसद में मौजूदगी है। रेस्ट ऑफ जो है बाकी के जो दल हैं उनकी संसद में मौजूदगी नहीं है। इस लिहाज से देखें तो एनडीए भी मजबूत है, लेकिन एनडीए को बड़ा झटका लगा है। आंध्र प्रदेश में अच्छा खासा परफॉर्म करने वाली सिटिंग पार्ट जो वहाँ पर है अभी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी जो है एनडीए से बाहर हुई है। हालांकि तेलुगु देशम की जो भरपाई है उन्होंने एनडीए ने जो है एआईडीएमके ऑल इंडिया द्रमुणमुल इंद्र कषगम यानी कि जयललिता की पार्टी को अपनी पार्टी में अपने दल अपने गठबंधन में शामिल करके उसकी क्षतिपूर्ति करने की कोशिश की है। क्योंकि फिलहाल में एआईडीएमके मजबूत है तमिलनाडु में, हालांकि जयललिता के बाद कितनी कैसा परफॉर्म कर पाएगी ये बहुत ही अभी कह पाना साफ साफ बहुत मुश्किल है। चलिए हम शुरू करते हैं एनडीए के इस पूरे घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एनडीए में जो दल हैं वो मैंने आपको बताया। मौजूदा जो स्थिति है एनडीए का जो प्रदर्शन था 2014 के हिसाब से वो प्रदर्शन था कुल एनडीए ने जो है जो है 342 सीट्स, 356 सीट्स जो है 2014 में जीती थी, जिनमें 282 सिर्फ भाजपा की थी और 74 उनके अलाई की सीटें थी। अब ये सीटें कितनी होंगी 2019 में ये कहने के लिए हम अभी आपको बताएंगे। एनडीए के पास जो अभी वर्तमान में राज्य हैं, स्टेट्स जो उसके पास हैं, राज्यों में जो सरकार है उसकी, वो 15 राज्यों में एनडीए की सरकार है। एक राज्य में यूपीए की सरकार है जिसे कर्नाटक कहेंगे, और थर्ड फ्रंट की जो है वो है 12 राज्यों में सरकार है, और कांग्रेस की अकेले की सरकार जो है ऐसे राज्य 5 हैं। इस प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे तो यूपीए इनके सामने सबसे बड़ा दल है, जिसमें यूपीए सबसे बड़ा गठबंधन है जो सामने खड़ा हुआ है। इस गठबंधन में 28 दल शामिल हैं, लेकिन इन सारे 28 दलों में से जो सीटें हैं लोकसभा के अंदर वो सिर्फ 82 हैं और कुल सीटें राज्यसभा में 72 हैं। इस प्रकार से यूपीए बहुत कमज़ोर है, लेकिन उसका राज्यसभा में फिर भी अभी जो है अच्छी पोजीशन के साथ है। इसको थोड़ा और देखने की कोशिश करते हैं हम, बारीकी से आने की कोशिश करते हैं, तो हम इसमें देखेंगे कि जो सीटें हैं, जो परफॉर्मेंस है, स्टेट वाइज परफॉर्मेंस अगर हम जाएंगे तो ये परफॉर्मेंस सबकी कलाई खोलने वाला। चलिए हम शुरू करते हैं परफॉर्मेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यवार, आपको बता देते हैं। राज्यवार में अगर हम जाएंगे तो लोकसभा चुनाव 2019 में
जो है कौन कहाँ से कितनी सीटें लाने वाला है। उत्तर प्रदेश में से शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, इनमें 2014 में भाजपा ने अकेले दम पर 71 सीटें जीती थी, और जो 2019 है हमारे सर्वे और हमारे पोल के मुताबिक, हमारे ओपिनियन के मुताबिक, उसमें वो उत्तर प्रदेश में इस बार 54 सीट जीतने में कामयाब होते दिख रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, जिनमें से 2014 में 22 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार वो 4 सीटें घट करके 18 सीटें जीतते दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा फायदा जो है वो पश्चिम बंगाल में होता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की 42 सीट, देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य लोकसभा सीटों के मामले में, 42 सीटों में से 2 सीट सिर्फ बीजेपी ने जीती थी 2014 में। अब वो इस बार 2019 में जो माहौल है उस माहौल का फायदा उठाते हुए 12 सीट तक पश्चिम बंगाल में जीत सकता है। हालांकि अभी भी पश्चिम बंगाल में जो है तृणमूल कांग्रेस जो है लीडर रहेगी, उसकी सीटें फिर भी ज्यादा रहेंगी, चूंकि सिटिंग गवर्नमेंट उनकी है और अभी इतना माहौल बीजेपी के पक्ष में नहीं बना है। बहरहाल 12 सीटें यहाँ से जीतने की उम्मीद है। यहाँ सिर्फ फायदा दिख रहा है। बिहार में चलते हैं तो बिहार जो है देश का पांचवें चौथे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है, 40 सीटें आती हैं। इन 40 सीटों में से 2014 में 22 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार जो है उसने गठबंधन ही 17-17 सीटों का किया है। जनता दल यूनाइटेड के साथ जो उनका गठबंधन है वो 17 सीटों का, 17-17 पर जेडीयू और भाजपा लड़ेंगी, और बाकी बची हुई 6 सीटें जो उन्होंने एलजेपी को दे दी हैं, पासवान की पार्टी को। इस हिसाब से यहाँ पर 17 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, तो 12 सीटें जीत सकती है, यानी कि 12 सीटों के लिए बीजेपी जीत सकती है, और बाकी की जो सीटें बची हुई हैं उन सीटों पर उनके सहयोगी या अलाई जीत सकते हैं, या जो भी परफॉर्मेंस उनका होगा वो अलग हम आपको आगे बताएंगे। तो इस तरह से हम देखें कि पांचवा जो देश का सबसे बड़ा राज्य है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु की 39 सीटें हैं, इनमें भाजपा ने 1 सीट जीती थी 2014 में, 2019 में भाजपा 2 सीट यहाँ से जीत सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देश के छठे बड़े राज्य के रूप में जो है मध्य प्रदेश को ख्याति प्राप्त है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 27 सीटें 2014 में भाजपा ने जीती थी, लेकिन इस बार 2019 में ये सीटें जो हैं 27 से घट करके 25 रह जाने वाली हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है। देश के अगले बड़े राज्य कर्नाटक है, बड़ा राज्य जो है 7वें नंबर का बड़ा राज्य है। यहाँ 40 सीटें कर्नाटक है, यहाँ पर क्षमा कीजिए 28 सीटें आती हैं। 28 सीटों में से जो है बीजेपी ने 15 जीती थी, और इस बार जो है बीजेपी की हालत वहाँ अच्छी भी है ख़राब भी है, फिर भी बीजेपी यहाँ 10 सीटें जीतने में कामयाब होती दिख रही है। गुजरात जो है 7वां बड़ा राज्य है, यहाँ पर 26 सीटें हैं, 26 में से 26 की 26 बीजेपी ने जीती थी 2014 में, लेकिन इस बार ये 24 सीटें जीत सकेंगे, 2 सीटें ये हार सकते हैं। राजस्थान जो है 8वां बड़ा राज्य है लोकसभा सीटों के मामले में, यहाँ 8वें बड़े राज्य से 25 सीटें बीजेपी ने 25 की 25 जीती थी 2014 में, इस बार ये वहाँ से सिर्फ 15 सीटें जीतने में कामयाब होंगे, यानी राजस्थान में 10 सीटों का नुकसान बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश चलते हैं, ये नवा देश का बड़ा राज्य है, यहाँ भी 25 सीटें हैं, 8वां नवा दोनों कह सकते हैं, और 25 में से 2 बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी को 2 सीटों का और फायदा होगा, आंध्र प्रदेश में वह 4 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है। हमारा सर्वे जो है ये तमाम देश भर में फैले हुए जर्नलिस्टों से बात करने के आधार पर है, कुछ और एक्टिविस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, इनका सर्वे है, ये जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी बातचीत और उनके जो प्रोपेंसिटीज़ हैं, जो उनके सुझाव हैं, जो उनकी आइडियाज़ हैं, उनके आधारित है। ओडिशा जो है देश का 10वां बड़ा राज्य है लोकसभा की दृष्टि से, यहाँ 21 सीटें आती हैं, 21 में से भाजपा ने 2014 में सिर्फ 1 सीट जीती थी, लेकिन इस बार ओडिशा में भाजपा की तैयारी तगड़ी है, वो इस बार विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद लगाकर बैठी है, इसलिए यहाँ से 5 सीटें कम से कम बीजेपी को मिल सकती हैं। 5 सीट मिलने का मतलब यहाँ से विधानसभा में खतरा है नवीन पटनायक को। अगले अगला जो राज्य है यानी देश का जो ग्यारहवा बड़ा राज्य है वो 20 सीटों के साथ केरल है। केरल में भाजपा 2014 में खाता नहीं खोल पाएगी थी, और 2019 में भी खाता खोलने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही। अब चलते हैं अगले बड़े राज्य के रूप में तेलंगाना, सर जो है अपना 12वां बड़ा राज्य है, यहाँ पर 17 सीटें आती हैं, 17 में से 1 बीजेपी ने 2014 में जीती थी, 2019 में यहाँ बढ़ करके 3 सीटें हो सकती हैं, क्योंकि तेलंगाना में जो है टीआरएस यहाँ डोमिनेंट है, और टीआरएस संभवतः इलेक्शन के पहले एनडीए गठबंधन में आ भी सकती है।
ऐसी स्थिति में यहाँ पर बीजेपी की सीटें भी बढ़ सकती हैं, और अगर नहीं भी आती तो भी बीजेपी यहाँ एक दो सीट अधिक यानी 3 सीट तक अधिक हमारे पोल के मुताबिक ये यहाँ पे हासिल कर सकती है। देश के 13वें बड़े राज्य झारखंड और 14वां असम, दोनों एक ही हैं, 13-14, दोनों में 14-14 सीटें हैं। तो झारखंड की 14 सीटों में से बीजेपी ने 2014 में 12 सीट जीती थी, इस बार वो 10 सीटें जीतेगी। असम ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ने 14 सीटों में 7 सीटें जीती थी, इस बार 2 सीट और बढ़ जाएंगी, क्योंकि एनआरसी का मसला जो है, पॉलिटिकल पार्टी जिसका कोई भी मैनिपुलेशन करती रहे, लेकिन असम का जो मूल निवासी है, असम का जो भारतीय निवासी है, उसके मन में ये एक अच्छा मैसेज लेकर गया है, और ये युवाओं का मुद्दा रहा है, इसलिए इस मुद्दे पर भाजपा को असम में कम से कम फायदा होता दिख रहा है, 2 सीटें अधिक मिलेगी। इस प्रकार पंजाब में चलें तो पंजाब जो है 13 सीटों का राज्य है, 13 सीटों में जो है बीजेपी ने 2014 में सिर्फ एक सीट जीती थी, और 2019 में यहाँ से वह 2 सीट जीत सकती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जो है 11 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से भाजपा जो है पिछली बार 10 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी, सिर्फ एक सीट दुर्ग थी, जहाँ से भाजपा की सीनियर लीडर सरोज पांडे हार गई थी और कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू वहाँ से जीत गए थे। तो ये तो 10 सीटें 2014 में जीती थी, लेकिन 2019 में जो छत्तीसगढ़ में पार्टी जीत सकती है बीजेपी, वो सिर्फ 8 सीटें हैं, 3 सीटें बीजेपी यहाँ से नहीं जीत पाएगी। इसके बाद हरियाणा चलते हैं तो हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 सीटों में से 7 सीट बीजेपी ने जीती थी 2014 में, और 2019 में 8 सीट जीत सकती है। हरियाणा में भी बीजेपी अच्छी पोजिशन में है। अब चलते हैं दिल्ली की तरफ, तो दिल्ली की 7 सीटें हैं, दिल्ली की 7 सीटों में से बीजेपी ने 7 की 7 जीत ली थी 2019 में, भी बीजेपी 7 की 7 सीटें दिल्ली की जीत सकती है। जम्मू एंड कश्मीर में चलते हैं तो जम्मू कश्मीर की 6 सीटें हैं लोकसभा की, और 6 सीटों में से जो है भाजपा ने 2014 में 2 सीटें जीती थी, और 2019 में भी उन 2 सीटों को बीजेपी बरकरार रख सकती है। उत्तराखंड में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रह सकता है, उत्तराखंड की 5 सीटें जो थी 2014 में 5 की 5 जीत ली थी बीजेपी ने, इस बार भी 5 की 5 जीत सकती है, उत्तराखंड में बीजेपी मजबूत है। हिमाचल में चलते हैं तो हिमाचल की 4 सीटें आती हैं, तो बीजेपी ने 2014 में 4 की 4 जीती थी, 2019 में आते आते वह 2 सीट गंवा देगी, और 2 सीट यहाँ से जीतने की संभावना है। केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली समेत तमाम जो द्वीप समूह हैं, या जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, पुडुचेरी वगैरह, चंडीगढ़, इन सब की जो सीटें आती है वो 6 सीटें हम मानते हैं। यहाँ पर 6 सीटों में से एक सीट 2014 में अंडमान निकोबार द्वीप की सिर्फ जीती थी बीजेपी ने, इस बार लेकिन 3 सीटें बीजेपी जीत सकती है। पूर्वोत्तर, जिसमें आसाम को हमने शामिल नहीं किया है, पूर्वोत्तर के जो बाकी के जो 6 राज्य हैं, उन 6 राज्यों में 10 सीटें आती है, 10 सीटों में से सिर्फ एक सीट किरण रिजिजू की अरुणाचल प्रदेश 2014 में बीजेपी ने जीती थी, लेकिन 2019 में ये सीटें बढ़कर के 3 हो सकती हैं। यानी अगर हम इनऑल की बात करें तो हम चलते हैं अगले राज्य की तरफ, तो सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहां पर एक सीट आती है, और 2014 में बीजेपी ने यहां से एक भी सीट नहीं जीती थी, कोई सीट नहीं जीती थी, क्योंकि यहां सिक्किम का जो दल है डेमोक्रेटिक, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है SDF, उसने एक सीट जीत ली थी, तो वो NDA का ही पार्ट है। यहाँ पर इस बार 2019 में भी वो NDA का पार्ट है, इसलिए यहाँ पर कोई सीट बीजेपी भाजपा नहीं जीतेगी। गोवा की दो सीटें 2014 में जीत ली थी भाजपा ने, इस बार गोवा की एक सीट भाजपा हार सकती है, सिर्फ एक सीट वहां से जीतेगी। अब इन टोटल में अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे सामने रिजल्ट हैं वो रिजल्ट हैं, 2014 में भाजपा 282 पर थी, 2019 में भाजपा को जो है करीब 38 सीटों के नुकसान के साथ बीजेपी 244 सीट पर आकर सिमट रही है, यानी भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाएगा। उसके जो अलाई हैं उन्होंने 74 सीटें 2014 में हासिल की थी, लेकिन 2019 में जो उसके अलाई हैं वो 55 सीटें हासिल करेंगे। इस तरह से अगर देखें तो नेशनल डेमोक्रेटिक जो अलायंस है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग, NDA की सरकार जरूर बन सकती है 299 सीटों के साथ, जो है गठबंधन की सरकार की तरफ जो है देश बढ़ रहा है, NDA आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन गठबंधन की सरकार के साथ जो संभावित सहयोगी हैं अभी तटस्थ बने हुए हैं, वो हैं TRS और YSR कांग्रेस, ये दोनों ही भाजपा के साथ या तो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद आ सकते हैं, ऐसी स्थिति में इनकी ताकत और बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि बीजेपी जो है इस बार NDA 299 सीटों के साथ देश में सरकार बनाने जा रहा है, तो वहीं
यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एजेंट अलायंस जो है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जो है वो 152 सीटों के साथ जो है लोकसभा में विपक्ष में मजबूती से बैठेगा। थर्ड फ्रंट यानी अदर जिसको कहें वो 92 सीटें देश में हासिल करने जा रहा है। इस तरह से अगर हम पर्टिकुलर में जाएं, इंडिविजुअल में जाएं, तो भाजपा जो है 244 सीटें 2019 में हमारे पूर्वानुमान के हिसाब से जीत सकती है। कांग्रेस 86 सीट 86, कांग्रेस अपने सीटों की संख्या डबल लगभग करने जा रही है, थोड़ी डबल से कम रह जाएंगी, लेकिन फिर भी 100 पार नहीं कर पा रही है। ये तो कांग्रेस के लिए सोचना पड़ेगा कांग्रेस को कि वो 86 सीटें हासिल कर सकती है। वहीं जो बीएसपी और सपा का गठबंधन बना हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर वो 20 सीट तक हासिल कर सकता है। इसके अलावा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है पश्चिम बंगाल में अभी 34 सीटों पर बैठी है, ये घट करके इसको करीब करीब 11 सीटों का नुकसान है और ये 23 सीटों पर ही 23 सीटों पर ही जीत पाएगी। तेलुगु देशम पार्टी जो एनडीए से हट करके अभी अलग चली गई है तो ये जो है 11 सीटें जीतने में कामयाब होती दिख रही है। द्रविड़ मुनेंद्र कशकम जिसकी 0 सीट है अभी डीएमके की तमिलनाडु में, ये जो है 14 सीटें इस बार जीत सकते हैं एम के स्टालिन के नेतृत्व में। ये पहली बार लोकसभा में आएंगे तो ऐसी स्थिति में डीएमके जो है 14 सीटें जीतने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। जबकि एआईडीएमके ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेंद्र कशकम जो है अनद्रमुक जो है ये यहाँ पर 20 सीटें, इनकी अभी लोकसभा में 37 सीटें हैं, 37 सीट्स हैं, 39 में से एक पीएमके की है और एक बीजेपी की है, डीएमके और बाकी कांग्रेस 0 है। तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी है और अभी सिटिंग एमपी सिटिंग वहाँ पर विधानसभा में इनकी सरकार है तमिलनाडु में। एआईडीएमके 20 सीटें लोकसभा में जीत सकते हैं। इस प्रकार से देखें तो जनता दल यूनाइटेड जो कि 17 सीटों पर लड़ रहा है बीजेपी के साथ गठबंधन करके बिहार में, वो 12 सीटें जीतने में कामयाब हो सकता है। जनता दल सेक्युलर जो कि यूपीए का पार्ट है वो 6 सीटें जीत सकता है। अभी देवेगौड़ा ने यहाँ पर 10 से अधिक सीटें मांगी है कांग्रेस से, अगर वो मिल जाती हैं उनको तो 6 सीटें वो जीत सकते हैं। शिवसेना जो है बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन हुआ है, ये 12 सीटें जीत सकती है। शिरोमणि अकाली दल एसएडी जो है इस बार बहुत पुअर परफॉर्म करेगा और सिर्फ 3 सीटें जीतने की उम्मीद इसकी पंजाब में दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी जो है सिर्फ 1 सीट जीत सकती है, वो भी पंजाब से दिल्ली में, ये 0 रहेगी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की, ये इसका भी रंग फीका पड़ा है, ये सिर्फ 8 सीट जीत पाएगी और लेफ्ट की जो पार्टियां हैं तमाम पार्टियां सारी पार्टियां मिला करके सिर्फ 15 सीटें हैं इस बार 2019 में जीतने की संभावना है। तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस जो है सी एस राव के नेतृत्व में टीआरएस जो है तेलंगाना की 17 सीटों में से 9 सीटें जीत सकते हैं, 9 सीटें इनकी अच्छी आने वाली हैं। वाईएसआर कांग्रेस जो है आंध्रा और तेलंगाना में लड़ेगी, लेकिन आंध्रा से ही 5 सीटें निकालने की स्थिति में 2019 में दिखाई दे रहे हैं। अंत में बात करेंगे बीजू जनता दल जो कि ओडिशा में अपना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ओडिशा में बीजू जनता दल की 13 सीटें आ सकती हैं। अभी मौजूदा जो है बीजू जनता दल की 20 सीटें हैं, 19 सीटें यहाँ पर हैं और ये 13 सीटें, इनको भी नुकसान है लेकिन 13 सीटें फिर भी ये जीतेंगे। अन्य जो दल हैं जो नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय हैं या जो पश्चिम में सक्रिय हैं या जो केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय हैं या केरल है को मिला लें तो हम यहाँ पर कहेंगे अन्य सारे दल मिला करके इनके अलावा वो 41 सीटें जीतने में कामयाब होते दिख रहे हैं। यानी ओपिनियन पोल हमारा ये कहता है कि एनडीए जो है मतलब इन ऑल ये बात कह सकते हैं भारत पाकिस्तान के तनाव के बाद जो एनडीए को फायदा मिला है उस फायदे से वो 299 सीट तक पहुंच रहा है, लेकिन बीजेपी 244 सीट पर अटक जा रही है। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता सीधा सीधा कि एनडीए सरकार बहुत आसानी से बना लेगा, लेकिन फिर भी ये ज़रूर कहा जा सकता है कि एनडीए की सरकार में जो बाधा है वो बहुत बड़ी कोई ऐसी नहीं दिखाई देती है, तो संभव है कि एनडीए सरकार बना ले। अब पॉइंट टू ये आता है कि क्या एनडीए की सरकार बनती है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, तो इसमें कोई शक या शुबा नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही भाजपा को 244 सीट्स मिलती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री ना बनना किसी दूसरे सूरत में भी संभव नहीं है। अब मैं बात करूंगा आपको कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनका जो परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया 2014 में, कुछ और घटक दल थे, अपना दल जिसने 2 सीटें जीती थी उत्तर प्रदेश में वो इस बार 1 सीट जीत पाएगा। एक एसडब्ल्यूपी था जो 1 सीट जीता था, इस बार भी 1 सीट जीत लेगा। पीएमके 1 सीट जीता था, पीएमके 1 सीट जीत, एसडीएफ जो है सिक्किम जो डेमोक्रेटिक फ्रंट है वो भी 1 सीट जीता था, एक इस बार भी जीत लेगा।
आरपीआई ने कोई सीट नहीं जीती 2014 में, इस बार 19 में एक सीट जीत सकती है। एनडीपीपी ने एक सीट जीती थी नागालैंड ने, और ये इस बार भी एक सीट जीत सकती है। एआईएनआर कांग्रेस जो थी पुडुचेरी, एक सीट जीती थी, इस बार भी एक सीट जीत सकती है। इस प्रकार से 244 सीटों पर बीजेपी पहुंच रही है अपने अलायंस के साथ 299 सीटों पर, और कांग्रेस रह जा रही है अटक करके 152 सीटों के साथ। यूपीए अटक जा रहा है और 92 सीट्स अदर, यानी यूपीए की 92 और अदर जो पार्टी है सारी की सारी भी अगर यूपीए में चली जाती है तो भी यूपीए जो है करीब करीब 30 सीटों से पीछे रह जाएगा। ऐसे में यूपीए की सरकार का बनना थोड़ा कठिन है, मतलब बसपा और सपा भी कांग्रेस के साथ आ जाते हैं, यूपीए के साथ आ जाते हैं, तो इसकी सीटों में इजाफा हो जाएगा 20 सीटों का, जो हमारे पोल के हिसाब से इनको 20 सीटें मिल रही हैं अखिलेश यादव और मायावती को, तो वो उन सीटों का इजाफा हो जाएगा, तो भी ये सीटों की संख्या बढ़ करके 172 होती है। और 92 सीट्स जो हैं अदर की जो है उनमें से भी अगर कुछ सीटें मिल जाती हैं तब कहीं जा तब भी जो है यूपीए अपने बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है इंडिविजुअल वो सिर्फ 86 सीटों पर सिमट कर रह जा रही है, यानी 100 सीट तक भी कांग्रेस नहीं पहुंच पा रही। आपको कैसा लगा ये ओपिनियन पोल? अगर आप इससे सहमत है तो हमें कमेंट करके बताएं, अगर आपको ठीक लगा हो तो आप इसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और बताएं कि किस तरह से 2019 के चुनाव होने जा रहे हैं। यानी इन चुनावों पर हम दूसरे शब्दों में देखें तो जो पाकिस्तान के और भारत के साथ जो तनाव हुआ है उस तनाव का जितना फ़ायदा बीजेपी को मिलना चाहिए था उतना फ़ायदा नहीं मिला है, और कांग्रेस को इसका नुकसान कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस इस बार अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, उसके पास मौके थे, लेकिन वो भी सिर्फ 86 सीटों पर आकर अटक गई है। इसका जो है फ़ायदा या नुकसान नहीं, तो इसको ये भी कह सकते हैं कि भारत में जो है मैच्योरिटी परिपक्वता जो है बढ़ चुकी है, अब उस तरह से इलेक्शन में फैसले नहीं हो रहे हैं कि किसी हवा के साथ फैसले हो जाएं। बहरहाल मोदी की एक मजबूत छवि इन चुनावों में सामने देखने को मिलेगी हमें। आपको अगर ये अच्छा लगा हो पोल तो आप बहुत अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमको कि आपको ये कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।